तो जैसा कि फेस्टिव सीजन आ गया है एंड इंडिया में मैक्सिमम लोग अपनी नई गाड़ी दिवाली के अराउंड बाय करने का प्लान करते हैं, एंड इसी चीज को देखते हुए कार कंपनीज भी कुछ ना कुछ नया करती हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को अट्रैक्ट कर सके। एंड इसी नई चीज में यहाँ पे टाटा एक बार फिर से अपनी पंच में कैमो एडिशन को लॉन्च कर देती है। तो मैं फिर से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि टाटा पहले कैमो एडिशन को 2022 में लेकर के आई थी, बाद में 2023 में इसको डिसकंटिन्यू कर दिया था, एंड अभी फिर से टाटा इस कैमो एडिशन को लेकर के आई है इस फेस्टिव सीजन के दौरान, और ये सिर्फ लिमिटेड एडिशन में है। तो अगर आप नई टाटा पंच लेने का प्लान कर रहे हो तो मेक श्योर आप ये वीडियो पूरा देखो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे पंच के इसी नए कैमो एडिशन के बारे में सारी डिटेल्स शेयर करने वाला हूँ। तो स्वागत है आप सभी का चैनल पे और इस एक और नए वीडियो में। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो टाटा पंच के इस कैमो एडिशन को इसके मिड वेरिएंट एकॉम्प्लिश प्लस एंड टॉप स्पेक क्रिएटिव प्लस में ही ऑफर कर रही है, एंड टाटा पंच के इस कैमो एडिशन को मैनुअल एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों में ऑफर कर रही है। साथ ही ये हमारे को पेट्रोल एंड सीएनजी दोनों में मिल जाएगी। तो एकॉम्प्लिश प्लस एंड क्रिएटिव प्लस में पेट्रोल एंड सीएनजी एंड ऑटोमेटिक एंड मैनुअल मिलाकर के यहाँ पे हमारे को टोटल 10 वेरिएंट मिल जाते हैं, जिसकी स्टार्टिंग प्राइस 8.45 लाख मैंने आपको बता ही दी है। बाकी वेरिएंट वाइज डिटेल प्राइस आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। तो यहाँ पे टाटा सीधे सीधे 15,000 रुपये का प्रीमियम चार्ज कर रही है इस कैमो एडिशन के लिए ओवर द करस्पॉन्डिंग रेगुलर वेरिएंट। तो क्या 15,000 रुपये देकर के आपको इस कैमो एडिशन को बुक करना चाहिए, लेना चाहिए, या फिर आपको रेगुलर वाली जो पंच आती है उसी के साथ जाना चाहिए? तो खैर चलिए जानते हैं इसी चीज को एंड देखते हैं कि ये एक्स्ट्रा 15,000 रुपये देकर के आपको क्या क्या मिल रहा है। तो इस कैमो एडिशन में आपको कॉस्मेटिक चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। तो ये जो कैमो एडिशन है ये सीवीड ग्रीन कलर में आती है विद कंट्रास्टिंग रूफ, जिसमें आपको व्हाइट कलर की रूफ ऑफर करी जा रही है। तो ये ग्रीन एंड व्हाइट कलर में जो पंच दिख रही है, बेसिकली जो डुअल टोन हमारे को दिख रहा है व्हाइट कलर की रूफ और ग्रीन कलर की बॉडी, ये वाकई काफी सही सी लग रही है। मतलब तो जब ये सड़क पे चलेगी तो अपने आप को थोड़ा सा तो डिफरेंशिएट करेगी। तो जो टाटा पंच पहले कैमो एडिशन में आती थी वो फॉलिज ग्रीन कलर में आती थी, और यहाँ पे टाटा ने अभी सीवीड ग्रीन दिया है विद दिस कंट्रास्टिंग रूफ। तो पहले वाली जो कैमो एडिशन आती थी उसके मुकाबले में मुझे ये वाली थोड़ी ज्यादा अच्छी लग रही है। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताओ आपको दोनों में से कौन सा वाला ग्रीन कलर ज्यादा अच्छा लग रहा है। एंड इसके अलावा एक और जो मेजर चेंज है वो ये कि यहाँ पे अब हमारे को 16 इंच के डार्क अलॉय व्हील्स ऑफर किए जा रहे हैं, जो कि इसके लुक को काफी और एनहेंस कर दे रहे हैं। एंड इसके अलावा इसके साइड फेंडर में हमको कैमो की बैजिंग देखने को मिल जाती है, जो कि इसको डिफरेंशिएशन एंड आइडेंटिफिकेशन के पर्पस से काफी इजी बना देती है। तो एक्सटीरियर में कोई और चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, तो बस यही कॉस्मेटिक चेंजेस हैं इसके एक्सटीरियर में। एंड वहीं अगर बढ़े इंटीरियर में, तो इंटीरियर में जहां पे रेगुलर पंच आती है हमारे को डुअल टोन इंटीरियर देखने को मिलता है, उसके कंपैरिजन में इस कैमो एडिशन में हमारे को एक ऑल ब्लैक थीम का इंटीरियर मिल जाता है। उसके अलावा इसके डोर पैड्स पे भी आपको कैमो की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। बाकी फीचर वाइज इसमें कोई भी चेंज नहीं है। तो जो भी रिस्पेक्टिव वेरिएंट्स में हमारे को फीचर्स मिलते हैं जिसके ऊपर ये बेस्ड है, जो भी वेरिएंट आप बुक करते हो, चाहे एकॉम्प्लिश प्लस हो गया या फिर क्रिएटिव प्लस हो गया, तो जो फीचर्स उनमें मिल रहे हैं वही सारे फीचर्स इसमें भी आपको मिल जाएंगे। नाउ द मेन पॉइंट इज कि ये लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल लेनी चाहिए। जहां पे आप 8-8.5 बेसिकली 2 लाख रुपए तक लगा रहे हो और वहां पे आप 15,000 रुपए और लगा दोगे तो क्या ही हो जाएगा। और जैसा कि एक लिमिटेड एडिशन है हमेशा तो मिलेगा नहीं, और अगर आप अभी गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हो तो मेरे हिसाब से आपको ये कैमो एडिशन वाली ही पंच को बुक कराना चाहिए। इससे होता क्या कि आपकी गाड़ी थोड़ी सी तो डिफरेंशिएट करेगी जो नॉर्मल रेगुलर पंच आती है उसके कंपैरिजन में, और आपको मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा पे भी नहीं करना पड़ रहा है। बाकी इसको लेकर के आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना। चैनल पे नए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। फिर मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।